दिनांक सर रोल अभी ये 6-7 तारीख को, पिछली 6-7 तारीख में चौबीपुर थाना क्षेत्र में एक मर्डर का मामला संज्ञान में आया था, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगी थी। पहले सूचना ये दी गई थी कि एक्सीडेंट हुआ है, जब पुलिस ने हॉस्पिटलाइज कराया तो वहाँ पता चला कि सिर में गोली लगी है, और जब इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ तो ये मामला अवैध संबंधों का आया, प्रेम प्रसंग का मामला निकल के आया। इसमें कुल महिला सहित 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, और जो मृतक का मोबाइल है, 48,000 रुपये, वो सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। इसमें जो मुख्य मोटिव है वो अवैध संबंधों का निकल के आया है। इन लोगों के आपस में संबंध थे, उस बीच में एक मृतक जो है वो तीसरा आदमी था, जिसको अपने रास्ते से हटाना चाह रहे थे, इसलिए इसका मर्डर किया गया। पूरी प्लानिंग की गई थी, क्योंकि इसमें पिस्टल भी खरीदी गई थी और काफ़ी दिन से तैयारी चल रही थी। पुलिस ना ट्रेस कर पाए इसके लिए लोगों ने 3 दिन पहले से अपने फ़ोन भी बंद कर रखे थे, परंतु इसमें क्राइम ब्रांच और जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ के थाना अध्यक्ष ने अच्छा काम किया, केस को वर्कआउट किया गया। तो सर कोई निलंबित वगैरह भी हुआ है क्या इसमें? एक वहाँ पे सब इंस्पेक्टर थे, उनकी भूमिका ठीक नहीं थी इस केस के अनावरण के प्रति, और जांच में वो तथ्य प्रकाश में भी आए हैं, इसलिए उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी कंटेम्पलेटेड है। बरामदगी क्या क्या है? बरामदगी मैंने जैसा बताया 48,000 रुपये है, और जो मृतक के मोबाइल फ़ोन वगैरह वो सारी चीज़ें बरामद हुई, इसमें पिस्टल बरामद हुई है। थैंक यू।